कि हमारे दो बच्चे कुपोषित हैं, मतलब कमज़ोर हैं कि हम बैठ उठ नहीं पा रहे हैं, हमें खाने पीने बहुत दिक्कत है, बच्चे के लिए दवा के लिए हमें पैसा भी नहीं होता कि हम बच्चे की दवा कर ले। जब लड़कियाँ पेट में रहा तो टीका लगा रहा आपकी? हाँ टीका लगाए थे। टीका लगा रहा? पोषाहार मिला था? पोषाहार नहीं मिला था। गई थी आप? हाँ गई थी। क्या कर रहे थे सब? कह रहे थे अभी आएगा तो देंगे, ऐसे ऐसे मतलब समय बीत गया, हमें कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। आशा से? आशा से ना तो ना तो आंगनबाड़ी से। इलाज कहाँ कराने गए थे आप? इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराए थे। डॉक्टर ने सीधे जवाब दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, कतई नहीं इलाज है, आप यहाँ चले जाइए। हमें बुरी तरह झिझकार दिया डॉक्टर ने कि आप यहाँ चला जाइए, हमें हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है मरीज का, जब तक आपको झेलना है आप झेलते रहो, हमें हमारे पास कोई दवा नहीं है, तो हमें कोई लाभ मिला ना कोई दवा मिला हमें। ये दलित मजदूर परिवार अफसर और जनप्रतिनिधियों के चौखट पे माथा टेक चुका है, परंतु कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। इलाज कराते कराते परिवार कर्ज के बोझ के तले दब गया। हमें पोषाहार करीब 4 से 5 महीने के अंदर में मिल रहा है, उसके पहले मैं आज तक आंगनवाड़ी के पास से कुछ कोई सहायता नहीं पाया है। और इतनी हमारी घनी बस्ती है, यहाँ पे हमारे कम से कम 110 लोग हैं हम लोग, लेकिन यहाँ में 110 लोगों के बीच में किसी को पोषाहार आज तक नहीं मिलता है। और सिर्फ हमारे बच्चा ऐसा होने के कारण 3 से 4 महीने में मिल रहा, नहीं तो हमें भी नहीं मिलता था। इससे पहले नहीं मिलता था? इसके पहले नहीं मिलता था। इना डिलीवरी के समय कैसा व्यवहार करें नहीं बताओ तो? हमें मतलब सर जो ऊपर से जो खाट पे सवार थे हमें नीचे लिटा दिए जमीन पे। हाँ जमीन पे। क्यों? क्योंकि मतलब कि बोल रहे थे कि इतना समय लग रहा है, हम इतना समय नहीं देंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। आंगनवाड़ी हमारे बच्चे पैदा हुए थे ना तो आशा आई ना तो कोई कुछ नहीं आया। हम लोग जब जाते थे तो यही पूछा हम पूछते थे बच्चे के लिए कोई उपलब्ध है मुहैया साधन? हाँ ठीक है हम करा देंगे। दिन बीतता गया, समय बीतता गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो सका। सरकार से यही चाहिए हमारे बच्चों का दवा कराएं, और हमें भी रोजी रोटी चाहिए। करीबन 1.25 लाख के अंतर्गत हम कर्जदार कर्ज में डूबे हुए हैं, आज भी हैं। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन बच्चों का इलाज कराया जाए और इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि भदोही जिले की DM जिनका मोबाइल नंबर 94-54-75-68 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इन बच्चों का इलाज हो सके। मैं अनिल कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।